भाग 18। समय पूरी तरह से अब चिंटू के बारे में जानकारी जुटाने में लग गया था। वहीं आयुध वो आरजे के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए आरजे को उससे शादी के लिए तैयार होना ही होगा। हालांकि वो कंफ्यूज तो अभी भी था कि क्या वो सच में आरजे से प्यार करता है या सिर्फ अपनी मॉम की खुशी के लिए ये शादी करना चाहता है। आरजे नीचे हॉल में आई जहां सब खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वो बाबा, उसने उस आदमी के पैसे लूटे हैं धोखे से, उसे हमें एक्सपोज करना है बिना भुजंग का नाम आए। वो नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में जाने। सबने मुस्कुराते हुए थम्सअप किया तो आरजे मुस्कुरा दी। उर्वेन बोला, तो आरजे हमें आगे क्या करना चाहिए? आरजे ने कुछ सोचा, मुझे पहले उस बाबा की जन्म कुंडली निकाल कर दो, तुम में से किसी एक को उस बाबा का शिष्य बनना होगा, बोलो कौन बनेगा? ये सुन सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरजे ने सबको घूरा, मैं नहीं बनने वाली, मुझसे ये एक्टिंग नहीं होती, मानसा ने साफ साफ कह दिया। आरजे ने अर्घ्य को देखा तो अर्घ्य मानसा और उर्वेन के पीछे छुपने लगा। तुम्हें तो पता है आरजे, बचपन से मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती, अगर मैं गया तो सब उगल दूंगा। आरजे का चेहरा यूनी की तरफ घूम गया। यूनी घबराकर चिंटू की तरफ दौड़ गई जो आराम से अपनी बॉल से खेल रहा था। अगर मैं गई तो चिंटू का ख्याल कौन रखेगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। चिंटू ये सुन एक बार फिर मुस्कुराकर आरजे को देखने लगा। आरजे ने उससे अपनी नजरें फेर ली। अब सिर्फ उर्वेन और सिमी ही बचे थे। उर्वेन कुछ बोलता उससे पहले ही सिमी बोल पड़ी, मैं जाऊंगी। आरजे मुस्कुरा दी। तो डिसाइड हो गया, सिमी बनेगी बाबा की शिष्या। उर्वेन बोला, ये अच्छा है, वैसे भी ये सारा दिन किचन में चपाती बनाने के अलावा ये करती भी क्या है, इसी बहाने इसे भी कुछ ढंग का काम मिलेगा। ये सुन सिमी का चेहरा लटक गया। आरजे ने उर्वेन को घूरा तो उर्वेन ने भी मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़ लिए, मैं तो मजाक कर रहा था। आरजे बोली, आजकल उर्वेन भी मुफ्त की चपाती तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करता है। ये कहे उसने अपना चेहरा फेर लिया। सिमी के साथ साथ सबके चेहरे पर हंसी आ गई। उर्वेन ने आरजे को घूरा, आरजे तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। आरजे उर्वेन को देख मुस्कुराई और धीरे से अपना हाथ पकड़ लिया, नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। उर्वेन ये सुन अपने पैर पटकते हुए वहां से चला गया। आरजे सिमी के पास आई, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं माना करते, तो तुम रेडी हो? सिमी ने हाँ में सिर हिला दिया। आरजे ने उन तीनों की तरफ देखा, तैयार करो इसे, आज मैं खुद इसे छोड़ने जाऊंगी, मैं भी तो देखूं सिमी की एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं। सब मुस्कुराते हुए सिमी को अंदर ले गए। चिंटू वहीं खड़ा आरजे को घूर रहा था। वो कुछ कदम चल आरजे के सामने आया। आरजे चिंटू को घूरते हुए घुटनों के बल बैठ गई। मुझे क्यों घूर रहे हो? चिंटू मुस्कुराया, मैं कहाँ घूर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। आरजे उस चिंटू से पूरी तरह चिढ़ चुकी थी। जानती हूँ नहीं बताओगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चिंटू ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। आरजे मुस्कुराई, उसने धीरे से चिंटू के बालों को सहलाया। क्यूट चिंटू, कितने प्यारे हो ना तुम। आरजे ने उसके गाल खींचे। चिंटू हैरानी से आरजे को घूर रहा था। उसने गुस्से में आरजे के हाथ को झटक दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, चिंटू अपनी बड़ी दी का हाथ कोई ऐसे झटकता है? आरजे को बुरा लगा होगा, सॉरी बोलो उसे। यूनी चिंटू को डांटते हुए वहां आई। चिंटू ने हैरानी से यूनी और मुस्कुराती हुई आरजे को देखा। आरजे ने कहा, रहने दो, यूनी बच्चा है, शायद मैं इसे पसंद नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यूनी को अब चिंटू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माफी मांगो अभी के अभी, सुना नहीं तुमने चिंटू? चिंटू काफी घबरा गया। उसने आरजे को घूरते हुए अपने कान पकड़ लिए, सॉरी। आरजे के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई। यूनी चिंटू को डांटते हुए वहां से ले गई। आरजे ने मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ली। हाँ, ये तो होना ही था। ये कहते कहते वो एक बार फिर चेयर पर चढ़ गई, फिर टेबल पर। उसका तो पूरा प्लान था रेलिंग से लटक के ऊपर जाने का, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे नीचे खींच लिया। वो कोई और नहीं, आयुध ही था। आरजे गिरती उससे पहले आयुध ने उसे संभाल लिया। मुझे बंदर बोलती हो और आज खुद बंदरिया बनी हुई हो, फिर क्या कहूं मैं मैडम जी आपको, मुझे तो मेरी बंदरिया सामने ही दिख रही है।
आरजे ने आयुध से अपना हाथ छुड़ाया और जाकर आराम से सोफे पर बैठ गई। खुद को इग्नोर होता देख आयुध को बहुत गुस्सा आया। आरजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई आए, तो चलो मेरे साथ। आरजे मुस्कुराई। बात करनी है? मेरा ऑफिस वो ऊपर है, चलो करते हैं अच्छे से बात। ये कहते हुए उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान पसर गई। आयुध ने कुछ सोचा, ओके नो प्रॉब्लम, इतना कहे उसने अपने कंधे उचका दिए। आरजे ने हाँ में सिर हिलाया और लगातार तालियां बजाने लगी। अर्घ्य मानसा उर्वेन यूनी सिमी कम फास्ट, आयुध ने कहा। क्या हुआ, पूरी फौज क्यों बुला रही हो? उसकी आवाज सुनते ही सब लाइन टू लाइन बाहर आकर खड़े हो गए। अर्घ्य बोला, क्या हुआ आरजे? आयुध को देख अर्घ्य ने दांत पीसते हुए कहा। आरजे बोली, मैं और आयुध ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है, ध्यान रहे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। सब हैरानी से आरजे को देखने लगे। आयुध मुस्कुरा दिया, उसे लग रहा था आरजे शायद सच में उसके बारे में सोचती है। आरजे एक बार फिर रेलिंग पर चढ़ गई। आयुध बोला, आरजे बच्ची मत बनो, सीढ़ियां हैं। आरजे ने ऊपर चढ़ते हुए कहा, मुझे सीढ़ियां बोरिंग लगती हैं। अब आयुध भी सीढ़ियों से ऊपर भागा। आरजे मेरे लिए रुको, आरजे उससे पहले पहुंच आराम से अपनी चेयर पर बैठ पसर गई। पता नहीं वो क्या सोच रही थी जो उसने आयुध से अकेले बात करने का डिसीजन लिया। आयुध आरजे के ऑफिस में आया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आरजे की टीम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनकी नजरें अभी भी आरजे के ऑफिस पर ही टिकी हुई थी। आरजे ने उसे सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया। आयुध बोला, क्या हम साथ में उस सोफे पर बैठ सकते हैं? आयुध थोड़ा शर्माया। आरजे ने कहा, हम सिर्फ बात करने यहाँ आए हैं, सामने बैठो, उसने बिना किसी भाव के कहा। आयुध ने अपना सिर झटका और उसके सामने वाली चेयर खिसकाकर बैठ गया। आरजे ने अपने पैर आराम से टेबल पर रख लिए। बोलो। आयुध को यह काफी अजीब लगा। क्या तुम कुछ वक्त के लिए एक मच्योर लड़की की तरह बिहेव कर सकती हो? आरजे मुस्कुराई, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलने वाली। तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, तो मेरे बचपने, मेरी हर कमी खूबी सबको तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। बोलो नहीं तो जा सकते हो। आरजे ने आराम से पैर फैलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आयुध मुस्कुरा दिया, शायद तुम सही कह रही हो, मैं भी तुमसे यही बात करना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगो। ये सुन आरजे ने अपनी आंख खोल ली। आयुध ने आगे कहा, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? देखो हमें कभी ढंग से बात करने तक का मौका नहीं मिला, पर अब मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे को और अच्छे से जाने। आयुध ने आरजे को देखा जो छत को घूर रही थी। आर यू ओके? आरजे ने मुस्कुराते हुए अपने पैर नीचे कर लिए। हमें समझना चाहिए एक दूसरे को। ओके, दिया चांस। ये सुन आयुध के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। आरजे ने कहा, तो शुरुआत अभी करते हैं, ये बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? अब तो आरजे को सीरियस देख आयुध की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। गुड क्वेश्चन, लड़की मुझे थोड़ी समझदार टाइप की लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो जो मुझे समझ सके, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मुझे हाउसवाइफ पसंद नहीं, इवन मेरी मॉम भी तो वर्किंग वुमन है जैसे कि तुम। आरजे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ घुमाया। अगर मैं शादी के बाद काम ना करना चाहूं तो? आयुध मुस्कुराया, नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा डिसीजन है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। आरजे ने अपनी गर्दन घुमाई, तो तुम्हारे हिसाब से हाउसवाइफ की डेफिनेशन क्या है? आयुध को आरजे का सवाल कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश की। हाउसवाइफ वो जो घर का काम करती है, आयुध ने कुछ समझते हुए कहा। आई थिंक ये ही इसका आंसर है। आरजे ये सुन अपनी कलाई घुमाने लगी। वो तो सर्वेंट्स भी करते हैं, तो क्या हाउसवाइफ और सर्वेंट में कोई अंतर नहीं? आरजे ने तिरछी नजरों से आयुध को घूरा। शायद अब उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए बार बार अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी। आयुध अब खुद कंफ्यूज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हाउसवाइफ सर्वेंट नहीं होती है। आई थिंक हमें ये सवाल बदल देना चाहिए, हम अब किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, तुम अपनी पसंद बताओ। आयुध ने उस सवाल से छुटकारा पाना चाहा।
आरजे ने अपने हाथ मसले और हंस दी। आयत ने कहा, आरजे शर्माती भी है। ये सुन आरजे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों, शर्माने के सारे राइट्स तुम्हारे पास हैं? आयुध हंस दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने बारे में बता रही थी, मैं सुन रहा हूँ। आरजे ने कुछ सोचते हुए अपने गाल पर हाथ रख लिया। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, आयुध ने कहा। ऑफ कोर्स, फिर मुझे भी तो तुम जैसा चाहती हो वैसा बनना होगा ना। आरजे खड़ी हो गई और टेबल पर बैठ गई। आयुध ने कहा, नीचे उतरो, तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकतें कभी कभी मुझे इरिटेट करने लगती हैं। आरजे ने मुंह बना लिया। वो टेबल से उतर गई और इधर उधर टहलने लगी। आयुध काफी देर तक उसे इधर उधर टहलते देखता रहा, फिर अचानक उसने चिढ़कर उसे अपने करीब खींच लिया। आरजे कुछ पल के लिए आयुध की बाहों में थी, हालांकि इससे आरजे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आयुध तो आरजे की आंखों से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। आरजे ने कहा, तिनकों को आग को छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आयुध मुस्कुराया। मैं अपने फियांसे को छू रहा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है तुम्हें छूने का। आयुध ने आरजे के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आरजे की मुस्कुराहट अब गुस्से में बदलने लगी थी। अचानक आयुध को अपने पूरे शरीर पर जलन महसूस होने लगी। उसने अचानक आरजे को खुद से दूर धकेल दिया और अपने शरीर को छूने लगा। आरजे ने पानी का ग्लास उठाया और सीधे आयुध के सिर पर डाल दिया। कहा था ना, तिनकों को आग को नहीं छूना चाहिए। आयुध को अब थोड़ी शांति मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हुआ। उसने जब आरजे को छुआ तो उसे अचानक इतनी जलन होने लगी थी जैसे उसके पूरे शरीर पर आग लग गई हो। वो एक सेकंड भी उस गर्मी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरजे ने कहा, तुम मुझे जैसा देखते हो वैसी नहीं हूं मैं, मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। आयुध आरजे को घूरने लगा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जरूर तुमने इन भारी भरकम कपड़ों में कुछ गैजेट छुपा कर रखे हैं, नहीं तो इतनी गर्मी इतनी जलन तुम्हें छूने से तो नहीं हो सकती। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। अचानक वो मुस्कुराया, तुम्हारी आंखें सच में बहुत सुंदर हैं। आरजे मुस्कुरा दी। वो जाने को मुड़ी, अचानक वो पलटी। तुम जानना चाहते थे ना मुझे कैसा लड़का पसंद है? वो जो मेरी गर्मी को बर्दाश्त कर पाए। अब सोच लो, तुम एक पल मेरी गर्मी को सहन नहीं कर पाए, मुझे दूर धकेल दिया, क्या पूरी जिंदगी भर मुझे झेल पाओगे? आयुध को कंफ्यूजन में छोड़ आरजे दरवाजा खोल बाहर आ गई। सब एक टक आरजे के बाहर आने का ही इंतजार कर रहे थे। मानसा ने कहा, आरजे क्या हुआ, उस जर्क ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आरजे एक बार आयुध की तरफ पलटी, जो अभी भी अपने शरीर को छू कर देख रहा था। आरजे मुस्कुराते हुए रेलिंग से कूद गई। खुद परेशानी को कोई परेशान कर सकता है? सब एक बार फिर मुस्कुरा दिए। आयुध अपने सिर को पीटते हुए बाहर आया। आरजे जो भी हो, अगली बार ये मोटे मोटे हाईनेक स्वेटर मत पहनना, पता नहीं कौन कौन सी डिवाइस छुपा रखी है। उर्वेन बोला, आरजे को तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आयुध सबको घूरता हुआ वहां से जाने लगा तो आरजे ने उसे आवाज दी, हाउसवाइफ मतलब घर की पत्नी, जो घर को बिना किसी स्वार्थ के संभालती है, उसका ख्याल रखती है बिना कुछ मांगे, वहां रहने वाले लोगों का ख्याल रखती है। आरजे ये कहते हुए उसके सामने आई। हर वर्किंग वुमन पहले एक हाउसवाइफ है, इवन वो हर इंसान हाउसवाइफ है जो बिना किसी स्वार्थ के वो सब करता है जो वो कभी नहीं करना चाहता पर करता है, सिर्फ तुम जैसे नमक हरामों को खुश करने के लिए। आयुध ने आरजे को घूरा। मैंने हाउसवाइफ को गलत नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा मुझे हाउसवाइफ पसंद नहीं, समझे तुम? आरजे ने कहा, ओह तुम्हें लगता है मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें हाउसवाइफ पसंद नहीं? तो मिस्टर आयुध मैं तुम्हें बता दूं, आरजे ने आयुध की कॉलर ठीक करते हुए कहा, मैं तुम्हें हाउसवाइफ की डेफिनेशन बता रही थी जो शायद तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आयुध ने आरजे का हाथ झटका और गुस्से में वहां से चला गया। सिमी बोली, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, अगर वो हाउसवाइफ ना होती तो पापा घर और ऑफिस को एक साथ कभी ना संभाल पाते। मेरी मम्मी घर संभालती हैं, तभी तो पापा आराम से ऑफिस में काम कर पाते हैं। आरजे मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल। उर्वेन ने कहा, पहली बार ही सही मैं सिमी की बात से सहमत हूँ। सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
आरजे ने सिमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तो चले, तुम्हारा पहला केस है, तुम रेडी हो ना? सिमी ने मुस्कुराते हुए आरजे के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हाँ। वहीं दूसरी तरफ समय एक मंदिर के पास बने झरने पर खड़ा कुछ सोच रहा था। आर्यन दौड़ते हुए उसके पास आया। सर, आपने जैसा कहा था, हमने पूरे ऋषिकेश में उस बच्चे की तस्वीरें लगाई, पर हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी उस बच्चे को नहीं पहचाना। या तो ये बच्चा यहाँ का नहीं है, या फिर ये झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स झूठ ही बोल रहा है। समय ने चिंटू की तस्वीर निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ तो ऐसा है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें दिख नहीं रहा। इसकी दादी के बारे में कुछ पता चला? आर्यन ने कहा। सर, बिना किसी नाम पते के हम कैसे दादी को ढूंढेंगे? ये तो ऐसे होगा जैसे कचरे में सुई को ढूंढना। मैंने ऋषिकेश के आसपास वाले शहरों में अपने सोर्सेज के जरिए पता किया, पुलिस स्टेशन में भी पता किया। अब तक किसी भी बूढ़ी औरत ने किसी भी बच्चे के खोने की कंप्लेंट नहीं लिखवाई है। इवन इस बच्चे को कोई जानता ही नहीं है। जिस घाट पर यह हमें मिला था, मैंने आसपास सब जगह पूछा, वहां पहली बार उस बच्चे को लोगों ने आपके साथ ही देखा था। ये बच्चा कहां से आया है, कहां था, किसी को कुछ नहीं पता। ये सब सुन समय के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये बच्चा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अचानक आर्यन के हाथ से चिंटू की फोटो छूट गई और उड़ते हुए कहां गायब हुई किसी को पता नहीं चला। आखिर क्या है ये मिस्ट्री, क्या समय सुलझा पाएगा? भुजंग आरजे और सिमी को उस मंदिर के पास लेकर गया जहां वो बाबा रोज बैठता था। सच में वहां काफी अंध भक्त थे। उसकी टीम पीछे खड़ी उन्हें देख रही थी। वो नहीं चाहते थे कि सबको एक साथ देख किसी को उन पर शक हो, इसलिए वो पीछे ही रही। सिमी को जानबूझकर बहुत सारे भारी गहने और सुंदर शादी के जोड़े में लाद ही दिया था, जिसे पहन उसके लिए चलना भी मुश्किल था, पर फिर भी उसे ये करना था। मंदिर के पास आकर आरजे भी रुक गई। हम तुम्हें दूर से देखेंगे, भुजंग ने कहा। वो मंदिर के पास पेड़ के नीचे भीड़ लगी है ना, वहीं वो मणिधर बाबा बैठता है, ये सब उसके भक्त हैं। ढोंगी, उसने अपने दांत पीस लिए। आरजे ने सिमी के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ। सिमी अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी, पर जब आरजे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके चेहरे पर से घबराहट गायब हो गई। उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ गई। आरजे की नजरें अभी भी सिमी पर ही टिकी हुई थी। भुजंग ने कहा। मेरे पैसे तो वापस मिल जाएंगे ना आरजे जी, भुजंग ने अपने नाखून चबाते हुए कहा। आरजे ने हां में सिर हिला दिया और फिर से सिमी की तरफ देखने लगी। मणिधर बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। एक शिष्य उनके चरणों से मणियां छू वहां लोगों को दे रहा था। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सब खुशी खुशी बाबा के पैर छू मणियां लेकर जा रहे थे। सिमी भीड़ को चीरती हुई बाबा के कदमों में गिर पड़ी और रोने का नाटक करने लगी। सब बड़े ही दया की नजरों से सिमी को देखने लगे। उसके शिष्यों की नजर पूरी तरह सिमी के गहनों पर थी। मणिधर बाबा ने धीरे से अपनी आंख खोली, गहनों से भरी सिमी को देखकर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सिमी बोली, बाबा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं बस अब इस जीवन से उब चुकी हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सिमी ने अपना सिर झुका अपने हाथ जोड़ लिए। एक शिष्य ने धीरे से बाबा के कान में कहा, बाबा क्या सोच रहे हैं? सिमी एक बार फिर बुरी तरह रोने लगी। बाबा, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, घर, गाड़ी, बैंक में करोड़ों रुपए, गहने, पर जीवन में सुकून नहीं है। मैं वो सब आपको दान करना चाहती हूँ, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। ये सुनते ही बाबा के पैर कांपने लगे। मणिधर बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। बच्चा, मैं तेरे धन का क्या करूंगा? वहां खड़े सब लोग बाबा की वाह वाह करने लगे। सच में बाबा कितने दयावान हैं, रत्ती भर लालच नहीं है इनमें। सच में लालच तो दूर दूर तक नहीं है, अरे इसलिए तो भगवान इनसे सीधे बात करते हैं। दूर खड़ी आरजे ये सुन मुस्कुरा दी। भुजंग बोला, आप मुस्कुरा रही हैं आरजे जी, बाबा ने तो एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया, अब आप मेरे उनसे पैसे कैसे लेंगी? आरजे बोली, बस देखते जाओ। सब लोग बाबा की जय जयकार करने लगे।
बाबा मुस्कुरा उठे। सिमी ने अपने आंसू पोंछे। बाबा ठीक है, मैं आपको दान नहीं दूंगी। ये सुन बाबा की मुस्कुराहट गायब होने लगी। शिष्य भी तिलमिलाने लगे। सिमी बोली, बाबा मैं क्या करूं? इन पैसों की वजह से मेरे अपने मुझसे जलते हैं, सब मुझसे दूर दूर रहते हैं, और जो पास हैं वो सब दोगले, सब मुझे मारने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं ताकि मेरी जायदाद हड़प सकें। ये पैसा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, पर अब आप नहीं ले रहे तो मैं इस पैसे को मेरे रिश्तेदारों में बांट तपस्या करने हिमालय चली जाती हूँ। बाबा मुस्कुराए, बच्चे हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन कपटियों को अपनी मेहनत की कमाई देने की। और दान ही करना है तो किसी अच्छी जगह करो। मेरे भगवान मुझसे कह रहे हैं तुम एक बहुत ही सच्ची आत्मा हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारा दान खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, पर मैं वो दान गरीबों के कल्याण में दूंगा। मंजूर है तो मैं तुम्हारा दान स्वीकार करता हूँ और तुम्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकारता हूँ। सब एक बार फिर से बाबा की वाह वाह करने लगे। बाबा कितने महान हैं, गरीबों के बारे में कितना सोचते हैं, हम तो इनके सामने तुच्छ प्राणी हैं। स्त्री के भाग्य हैं जो ये इतने महान बाबा की शिष्या बन रही है। सब जोरों से बाबा की जय जयकार करने लगे। मणिधर बाबा की जय, मणिधर बाबा की जय। समय और आर्यन वहीं मंदिर के पास ही थे तो उनकी नजर सिमी पर गई, जो कि बाबा के पैर छू रही थी। उन्होंने अब तक आरजे और उसकी टीम को नहीं देखा था तो उन्हें गलतफहमी हो गई। आर्यन बोला, सिमी इस बाबा के पैर क्यों छू रही है? देखो इसने गहने कितने पहने हैं, ये कर क्या रही है यहाँ? समय बोला, देखते हैं चलो। आर्यन और समय उन भक्तों में शामिल हो गए। आर्यन ने सामने खड़े बाबा की जय जयकार कर रहे आदमी के कंधे पर हाथ रखा। भाई क्या चल रहा है यहाँ? देखने में तो ये बाबा बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, कौन है ये? उस आदमी ने धीरे से कहा, अरे भाई ये यहाँ के प्रसिद्ध मणिधर बाबा हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। ये महिला भी बहुत कष्ट में है, अपने कष्टों को दूर करने के लिए ये महिला अपनी सारी जायदाद बाबा को दान कर रही है, और बाबा उस दान को गरीबों के कल्याण में लगाएंगे। बोलो मणिधर बाबा की। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी, जय। समय को ये काफी बचकाना लगा। क्या बकवास चल रही है यहाँ? आर्यन बोला, सिमी अपनी जायदाद दे रही है, इससे ज्यादा बकवास और क्या हो सकता है? और ये बाबा, देखना सब खा जाएगा, बेवकूफ लड़की, हमें इसे बचाना चाहिए।